दुनिया का एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत, सनातनियों का देश भारत, जिसका एक राज्य है बिहार। बिहार के चंपारण के गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के पहाड़पुर प्रखंड का एक गांव पूर्वी सरया के अंदर एक जगह है, जो दिन हो या रात लगातार अपना प्राकृतिक सौंदर्य बिखेरता हुआ प्रतीत होता है, जिसे सतनामी दास के मठ के नाम से जाना जाता है। जब हम इस मठ के आसपास के प्राकृतिक वातावरण और सौंदर्य से आकर्षित होकर बाबा सतनामी दास के इस मठ के बारे में जानना चाहे तो यह बात सामने आई। सतनामी कोई एकमात्र बाबा ही नहीं थे, बल्कि इस कड़ी में सतनामियों के एक पूरे पंथ का ही नाम आता है। यहाँ साहेब गणेश दास के द्वारा यह लिखा गया है, सतनाम सर्व उदितम जैसे दिवस पतंग, जो जन सुमिरन था नहीं पक्ष होत नहीं भंग। साहेब गणेश दास जिन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम ये दरिया पंथ को चलाने वाले सदगुरु कबीर के अवतार, जो अभी तक सदगुरु 5 बार आए, सतयुग में सुकृत बनकर के आए, त्रेता में करुणामय बनकर आए, द्वापर में मुनिंद्र बनकर आए और कलयुग में फिर कबीर बनकर आए, तो कबीर पंथियों में जब भेद हो गया तो सदगुरु ने बताया कि ज्ञान छोड़ पाखंड जब किन्हा, ताते मत उलट हम लिन्हा, हम ही कबीर का सीमा रहो, एक रूप दुई धारा शरीरा, यहाँ दरिया वहाँ दास कबीरा। सतनामी पंथ उभरता है, जिसका आरंभ होता है सतनामियों के पहले गुरु से। सतनामियों के पहले गुरु घासीदास जी ने न सिर्फ मध्यकाल की संत परंपरा को आधुनिक काल से जोड़ा, बल्कि भगवान बुद्ध के सतनाम मानवीय दर्शन को भी आगे बढ़ाने का काम किया। संघर्ष के साथ ही सृजन, इस बारे में सतनामियों के पहले गुरु घासीदास जी ने अपने अनुयायियों को आत्मसम्मान का जीवन जीना सिखाया, जिनके अनुयायी साहेब गणेश दास जी इस जगह पर सबसे पहले आए, उनके बाद ख्याल दास और उनके बाद और भी कई दास आते और जाते रहे। और सच्चाई है कि ये आस्था का केंद्र है, एक विश्वसनीयता है, जिस विश्वसनीयता में बाबा साहब गणेश दास, उनके साथ साथ काफ़ी शिष्यों का सानिध्य मिलता रहा। ये सतनाम वास्तव में एक व्यक्तित्व का नाम है, एक सर्वश्रेष्ठ आचार्यत्व का नाम है, दरियापंथी का नाम है। और जिस सतनाम ने यहाँ एक बिल्कुल विख्यात प्रख्यात एक आदर्श कायम किया, और उनसे बराबर चूँकि चर्चाएं आती है, यहाँ स्थानीय लोगों से मुझे जानकारी मिली या सुना, आपने भी सुना, लोग सुना करते हैं कि इतिहास पुरातन चीज़ों से मनीषियों और ऋषियों ने लिखा है, कि सुनने में आता है कि सतनाम जो बाबा गणेश दास साहब थे, वो रात्रि में इस तालाब के जो तालाब का जो परिक्षेत्र है, तालाब का जो क्षेत्रफल है, जब रात में निकलते थे तो मछलियाँ नामों से पुकारते थे और मछलियाँ उनके पास आती थी और सीधे वार्ता करते थे, इस तरह की व्यवस्था है। भिन्न भिन्न तरह की जड़ी बूटियाँ सुनने में आई है, जैसे बहेड़ा है, ये और क्या बोल रहे थे वो, हरे बहेड़ा, मतलब भिन्न भिन्न दर्जनों तरह की जड़ी बूटियाँ इस सतनामी मठ परिसर में प्राप्त होती थी। उसके कुछ अवशेष भाग अभी बाकी है, ये नव निर्माण हो रहा है। ये भाषा जो है सतनाम, ये सतनाम भाषा जो है 18 भाषाओं में इसको अंकित किया गया है, उर्दू है, फारसी है, तमिल है, ये हिंदी है, संस्कृत है, जैसे सत्यनामा सतनामा इति सतनामा, सनातन है, सनातन पुराना सनातन धर्म का नाम है सतनाम, वो जो कहा करते थे बिल्कुल सत्यनाम उनके नामों से अंकित था और हुआ करता था। इस तरह से हम चाहेंगे कि यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी इस मंदिर के सतनाम जो दरियापंथी मंदिर है, इसके नव निर्माण में लगे हुए हैं, और मैं आपका इस चैनल से भी स्वागत करता हूँ कि एक तीर्थ स्थल के रूप में एक दरियापंथी मठ को आपके चैनल के माध्यम से हम पत्रकार होने के नाते आपसे आग्रह भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं कि ये एक इस क्षेत्र का पौराणिक स्थल भी है, जो काफ़ी पुराना प्राचीनतम है, और देखने से भी मिलता है, हम लोग आए हैं, देखने से भी मिलता है कि ये सुनहला, ये कैसा जो है जगह है कि दिन में रात्रि में अंधेरा हो, चंद्रमा हो, चांदनी रात हो, लगता है कि वास्तव में सतनाम बाबा गणेश दास जी यहाँ समाधि स्थल पर बैठे हुए हैं।
बाबा के समाधिस्थ होने के बाद जैसे दरिया साहब के अनुयायी साहेब गणेश दास जी का यह मठ है और साहेब गणेश दास जी के नाम पर यह टोटल जमीन है जिनका पहले वहाँ बीच में समाधि लगी हुई है और उस समाधि के बाद उनके शिष्य ख्याल साहब आए। ख्याल साहब के बाद जो है सो ऐसे संत आते रहे जाते रहे लेकिन जो है सो कोई नहीं, चूंकि यह बसौली सिवान का मठ है और इसके मठ के अंतर्गत 9 मठ आते हैं, उसके फाड़ी ये सब मठ है बसौली सिवान के। जो गुरु घासीदास जी की ही तरह साहेब गणेश दास जी भी एक संत प्रकृति के महापुरुष थे और गुरु घासीदास जी की तरह ही उनका संतत्व भी उनके क्रांतिकारी जीवन का स्रोत था। उनका क्रांतिकारी तथा साधु रूप मानवता और पूरे प्रकृति के बीच भेदभाव पैदा करने वाली शक्तियों को नकार देने वाला था। साहेब गणेश दास जी का क्रांतिकारी विचार एक संत के बड़े अवतार का दर्शन कराने वाला है। निश्चित तौर पर आधुनिक युग में साहेब गणेश दास जी इस भारतीय समाज में एक सशक्त क्रांतिदर्शी और आध्यात्मिक गुरु के रूप में उभरे। भारतीय समाज में गुरु घासीदास जी ने राजा राम मोहन राय से भी पहले नवजागरण का संदेश दिया। यह सब उन्होंने अपने पुरखों से समझा था जिन्होंने पंजाब के नारनौल में औरंगजेब की सेना को कई बार परास्त भी किया था। उनके पास बल था पर वे छल से दूर रहे, वे स्वाभिमानी थे। गुरु घासीदास जी ने छत्तीसगढ़ के भूमिपुत्रों के बीच चेतना जगाई और समाज में जाति भेद के खिलाफ एक समतावादी समाज की रचना के लिए किया। कहना होगा कि संत कबीर, रैदास, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह और नाभादास आदि की क्रांतिकारी परंपरा को उन्होंने और बाबा गणेश दास जी के अलावा इस पंथ के अन्य दासों ने भी लगातार आगे बढ़ाने का काम किया। इस तरह भगवान बुद्ध द्वारा शुरू किए गए सतनाम दर्शन को जिस तरह संत कबीर ने स्वीकार किया और संत कबीर के बाद गुरु घासीदास के पुरखों ने भी अपनाया, पुरखों के इसी मानवीय पंथ को स्वयं गुरु घासीदास जी और सतनाम पंथ के अनुयायी भी आगे बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो सतनाम पंथ पहले इतिहास और सनातन से भी जुड़ा, फिर राजनीति से और बाद में समाज सुधार से जुड़ने लगा। इस तरह भारतीय समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक असमानता के खिलाफ 3 चरणों से होते हुए गुरु घासीदास, उनके बेटे बालक दास और पूरे सतनाम पंथ का यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है। कम शब्दों में कहें तो उस समय दलितों पर 2 तरफा उत्पीड़न हो रहा था। एक ओर सनातन हिंदू समाज में स्वयं विषमता आ चुकी थी तो दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा भी दलितों के साथ भेदभाव होता था। इतिहास में देखें तो पंजाब में सिखों के साथ मुगलों के युद्ध होते रहे। 1656 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई, उसी वर्ष उसका पुत्र औरंगजेब गद्दी पर बैठा जो 1656 से 1707 तक गद्दी पर रहा। पंजाब में औरंगजेब के अत्याचार बढ़ने लगे थे। असल में तब तक सतनामी नाम से श्रमिक जातियों का ऐसा समाज बन गया था जो जातियों के जाल से मुक्त होकर समता, स्वतंत्रता और बंधुता में विश्वास करने लगे थे। वे हिंसक नहीं थे लेकिन गुरु गोविंद सिंह की तरह अपनी सुरक्षा के लिए तैयार भी रहते थे। औरंगजेब का अत्याचार बढ़ने पर सतनामी भी बेचैनी अनुभव करने लगे थे। इसी दौरान औरंगजेब की सेना से एक बार नहीं कई बार सतनामियों के साथ छिटपुट युद्ध भी हुए। उन्होंने मुगल फौजों से डटकर मुकाबला भी किया लेकिन अंत में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा, जिसके बाद सतनामियों को अपनी मातृभूमि से ही उजड़ना पड़ा। सतनामियों के इतिहास पर गौर करें तो पता चलता है कि सबसे अधिक संख्या में छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी जिसे प्राचीन काल में चित्रोत्पला और आज महानंदा एवं नीलोत्पला या महानदी के नाम से जानते हैं, इसी नदी के किनारे जाते जाते सतनामी छत्तीसगढ़ पहुँचे जहाँ बहुत ही घने जंगल थे। हालांकि मुगल सैनिकों ने उनका पीछा भी किया लेकिन वे जंगलों व वनों में अपने आप को छुपाते रहे। बाद के दिनों में सतनामियों ने न केवल मुगलों के खिलाफ विद्रोह किए बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य से भी अपना सामना किया। इसके अलावा सतनामी नारनौल से मुगल सेना से बचते हुए
दिल्ली, नागपुर, मुंबई, असम और बिहार के कुछ जगहों पर भी आए, जिनमें से चंपारण के पूर्वी सरया का यह एक जगह भी है जिसे यहाँ के लोग सतनामी बाबा के मठ के नाम से जानते हैं। मठ की खासियत यह रही है कि सेम जगह पर एको इंच उधर उधर नहीं। हिंदुओं के लिए जो छठ का घाट सिरसोपता है, उसी सेम जगह पर मुस्लिम लोगों का भी नमाज होता है। महावीरी झंडा का खेल उसी जगह होता है और तजिया का भी खेल उसी जगह पर होता है, लेकिन इस सैकड़ों वर्ष के बाद भी आज तक उस पर गणेश बाबा के कृपा से कोई विवाद, कोई इस पर अभी तक नहीं हुआ। 1955 से लेकर 75 तक, जैसे कि चर्चा हमारे बड़े भाई चंद्रदेव यादव जी ने की, 1955 से 75 तक बिल्कुल स्वस्थ थे बाबा, लेकिन जब उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी तो वो समाधि स्थल, समाधि की बात स्थानीय लोगों से करने लगे, लेकिन मृत्युप्रांत जो है वो समाधि स्थल में दिए गए और वहीं उनका समाधि स्थल है। जो यहाँ जो भी उनके शिष्य आते हैं, ख्यालदास हैं, कौन कौन मैंने काफ़ी लोग हैं जो सिवान जिले, सारण जिले के, जो सारण जिला एक था वहाँ के, वो दरियापंथी मठ के नेतृत्व में जो बाबा हैं उनके देखरेख में ये मठों का संचालन होता है। और हम चाहेंगे आपसे, आपके चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि आप इन समस्याओं को, कबीरपंथी मठ हो, दरियापंथी मठ हो, और इन समस्याओं को आप वहाँ तक पहुँचाएँ, सरकार के स्वावलंबनी और आवश्यकता तक पहुँचाएँ कि इस मठ का जो है और विकासात्मक कार्य हो, और ये एक क्षेत्र का, इस पहाड़पुर का ही नहीं, पूरे अनुमंडल और जिले का, जिले के मानचित्र पर यह जो है ये दरियापंथी मठ जाए, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को गौरवान्वित महसूस हो। हालांकि मंदिर के भीतर रखी पत्थर की मूर्ति से अलग हटकर गुरु घासीदास जी ने अपने भीतर छिपी हुई शक्ति के बारे में कहा है। उक्त कथन की पुष्टि अधोलिखित सतनामी गीत से भी होती है। अपन घट ही के देवला मनाबो, मंदिरवा में का करे जाबो, पथरा के देवता हालई नई तो डोले, पथरा के देवता सुधे नई तो जाने हो, ओमा का धूप अगर बत्ती चढ़ाबो, ही के देवला मनाबो, मंदिरवा में का करे जाबो।